तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संदीप सर का सिर्फ एक वीडियो ने पूरे यूट्यूब पे सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया, और उस कंट्रोवर्सी के सेंटर में विवेक बिंद्रा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इतने बड़े दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कैसे? तो इसका मेन कारण है ये वीडियो जो संदीप सर ने अपलोड किया था, जिसके बाद से इतना बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। इस वीडियो में एक स्टूडेंट खड़ा होकर ये आरोप लगाता है कि उसने बहुत बड़े यूट्यूबर से एक कोर्स लिया, जिसको खरीदने के बाद उसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, और जब मैंने कंपनी को पैसा रिफंड करने के लिए बोला तो उस कंपनी से जवाब आया कि आप इस कोर्स को आगे 3-4 लोगों को और सेल करो, जो उसमें से कमीशन बनेगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और उस वीडियो में उसने ये भी बताया कि उसके जैसे लाखों लोग और हैं जो इस काम में फंसे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि उस वीडियो में ना तो विवेक बिंद्रा सर का नाम था और ना ही उस कंपनी का नाम, फिर भी विवेक बिंद्रा के टीम ने संदीप सर के टीम को एक लीगल नोटिस भेजा, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ है और लोगों ने विवेक बिंद्रा के बिजनेस कोर्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद संदीप सर ने भी रिप्लाई में जवाब दिया कि मेरे उस वीडियो में ना तो आपकी नाम है ना ही आपके कंपनी का नाम, फिर भी आपने मेरे टीम को एक लीगल नोटिस भेजा, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहने वाला हूँ। आपके बड़ा बिजनेस और आपके बारे में लोगों को खुलकर बताऊंगा कि आप किस तरह से स्कैम कर रहे हो। इस तरह से संदीप सर ने अपना जवाब दिया था, जिसके बाद विवेक बिंद्रा का कहना है कि आप मुझे अपने सेमिनार में इन्वाइट कीजिए, जिसके बाद मैं आपके और लोगों के सारे सवाल का जवाब दूंगा। और इस तरह से अभी YouTube पे इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। लेकिन आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इसमें कौन गलत है और कौन सही, और साथ में ये भी बताएं कि आप किसके साथ खड़े हो, संदीप सर के साथ या विवेक बिंद्रा के साथ।